देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दशहरा करीब है और लोग दिवाली की तैयारियों में जुट गए हैं। घरों की सफाई और रंगाई शुरू हो चुकी है। त्योहारों का मौसम जब भी आता है तो अपने साथ छुट्टियां भी खूब लेकर आता है। त्योहारों की वजह से अक्टूबर में छुट्टियों की भरमार है और अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई बहुत ज़रूरी काम है तो इसे जल्दी से निपटा लें। साथ ही अक्टूबर के इस महीने में किसी भी दिन अगर बैंक जा रहे हैं तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इस महीने कुल 21 दिन बैंक हॉलीडे रहने वाले हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत लगातार 9 दिन के बैंक हॉलीडे के साथ हो रही है और पूरे महीने कुल 21 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। RBI के अक्टूबर हॉलीडे कैलेंडर को देखें तो इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद समेत कई मौकों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा और राज्यों और शहरों में बैंकों की छुट्टियाँ अलग अलग होती हैं। दरअसल बैंकिंग अवकाश यानी बैंक हॉलीडेज विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या उन राज्यों में होने वाले अन्य आयोजनों पर भी निर्भर करते हैं। त्योहारी सीजन में भले ही बैंकों की ब्रांच बंद रहें, लेकिन इस दौरान आप बैंकिंग से जुड़े काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सुविधा हमेशा की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि बैंक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को खुले रहते हैं। देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दशहरा करीब है और लोग दिवाली की तैयारियों में जुट गए हैं। घरों की सफाई और रंगाई शुरू हो चुकी है। त्योहारों का मौसम जब भी आता है तो अपने साथ छुट्टियां भी खूब लेकर आता है। त्योहारों की वजह से अक्टूबर में छुट्टियों की भरमार है और अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई बहुत ज़रूरी काम है तो इसे जल्दी से निपटा लें। साथ ही अक्टूबर के इस महीने में किसी भी दिन अगर बैंक जा रहे हैं तो एक बार छुट्टियों की लिस्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इस महीने कुल 21 दिन बैंक हॉलीडे रहने वाले हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत लगातार 9 दिन के बैंक हॉलीडे के साथ हो रही है और पूरे महीने कुल 21 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। RBI के अक्टूबर हॉलीडे कैलेंडर को देखें तो इस महीने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, ईद समेत कई मौकों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा और राज्यों और शहरों में बैंकों की छुट्टियां अलग अलग होती हैं। दरअसल बैंकिंग अवकाश यानी बैंक हॉलीडेज विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों या उन राज्यों में होने वाले अन्य आयोजनों पर भी निर्भर करते हैं। त्योहारी सीजन में भले ही बैंकों की ब्रांच बंद रहें, लेकिन इस दौरान आप बैंकिंग से जुड़े काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सुविधा हमेशा की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि बैंक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को खुले रहते हैं।